लक्ष्मी होउचंती सौभाग्यदात्री। सीए प्रसन्न हेले घर सुख शांति और धन धान्य पूरी जाए। एवं गुरुवार हेउचे तांकर अति प्रिय बार। तेबे शुक्ल पक्षरे दशमी तिथि जदि कौनसी गुरुवार दिन पड़े सेई गुरुवार दिन सुदशा व्रत पूजा करा जाए। एही दिन विवाहिता नारी माने महालक्ष्मी को पूजा आराधना करी एक नुआ धड़ा व्रत को हलदी पानी धुवंती और महालक्ष्मी को दस नाम धरी से व्रत में 10टी गंठी पकांती। से व्रत को निज डाहण कांधरे बांधि रखती परवर्ती सुदशा व्रत पर्यंत। सेबे पुणी एही पद्धति रे नुआ सुदशा व्रत धारण करती। सुदशा व्रत पूजा रे महालक्ष्मी पाखे प्राय समस्त पूजा द्रव्य 10टी करी दिया जाए। अवश्य जो माने ओडिशा बाहरे किंबा विदेश रे रहुचंती तांकु हुए तो सब पूजा सामग्री न मिल पारे, किंतु सेथि पई मन उणा करंतु नाही। आपनक पाखे जहा अछि ताकु ही देई भक्तिर सहित पूजा कले महालक्ष्मी निश्चय पूजा ग्रहण करिवे। सेहीपरि जो महिला माने चाकरी करूछंती तांको पई मध्य टिकिनिकी नीति और विधि माने पूजा करिबा हुए तो संभव न होई पारे। आपण माने मध्य जेतिकी पारुछंती सेतिकी पूजा करंतु भक्तिर सहित। जणे कर्तव्य परायण परिश्रमी व्यक्तिर कांधरो महालक्ष्मी केबे हेले छाड़ी के जिबे नाही। ता छड़ा आपण माने निज आचरण द्वारा ही महालक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। घर को सब बळे परिष्कार परिच्छन्न रखंतु, अळी कजिया बा पाटीतुंड हेबाकू दियंतु नाही, घर को अंधार रखिबे नाही, ओइठा संकुडी मानंतु, सूर्योदय पूर्व उठी सेज त्याग करंतु। एहीपरि केतोटी अभ्यास रखिले महालक्ष्मी सब बळे प्रसन्न रहिबे। सुदशा व्रत पूजा रे महालक्ष्मी पाखे 3 बेला भोग लगा जाए। प्रभात काल रे 10 प्रकार फल और 10टी छेना चकटार गुड़ा भोग लगे। मध्याह्न पूर्वे 10टी मंडा पिठा और संध्या हेबा पूर्व छेनापणा भोग लगा जाए। किंतु ध्यान रखिबे महालक्ष्मी का भोग निज परिवार वर्गों छड़ा अन्य काहारी को बांटिबे नहीं। एही सुदशा व्रत पूजा ब्रह्म मुहूर्त रे आरंभ करिबा भल, कारण मान्यता रहिछि जे सेही समय महालक्ष्मी मंदिररू बाहरी निज भक्त मानक घर बुलियाकू आसंती। तेणु सूर्योदय पूर्व उठी हलदी लगे स्नान करिवे ओ धड़ा नाली मिसा साड़ी किंबा हलदिया साड़ी पिंधि पूजा आरंभ करिवे। मथारे सिंदूर और पादरे अलता लगायाकू भूलिबे नाही। पूजा आरंभर बहु पूर्वर पूजा स्थान और घर समस्त कक्षगुड़ी धोई परिष्कार करी देइथिबे। तापरे बतुरा होइथिबा अरुआ चाउल को बाटी अल्प पानी मिसाई यथा स्थान मानकरे चिता पकाइबे। मान्यता रहिछि जे ब्रह्म मुहूर्त रे जेबे माँ लक्ष्मी नगर भ्रमण रे आसंती घर बाहरे चिता पड़िथिबा देखिले से अत्यंत प्रसन्न होंती। तेणु घर दाण्डरू आरंभ करी पूजा घरे बाट घरे समस्त कक्ष गुड़िकर द्वार सामने और हाँशाल लक्ष्मीपाद और 10 पाकुड़ा पद्मफूल चिता पकाइबे। ध्यान रखिबे जेमिति कि केही भी पड़ीथिबा लक्ष्मीपाद चिता उपरे न चढ़ी जाती। पूजार परदिन सर्वप्रथमे सेही सबु लक्ष्मीपाद चिता गुड़िकु ओदा कनारे प्रथमे पोछिदेबे और तापरे धोईदेबे। जोठी जोठी आपण लक्ष्मी का पाद चिता पकई थिबे से सब ऊपर प्रथमे अल्प टिके टिके गोबर थोइबे। ओ ता ऊपर दुब घास अरुआ चाउल बरकोली पत्र और फूल थोई चलिए। कौन सी जगह लक्ष्मीपाद चिता खाली छाड़े ना। पूजा स्थान में जोठी कलश बसैबे सेठी पद्मफूल चिता पकाइथिबे अल्प धान थोड़ी गोटे जलपूर्ण लोटा ता उपरे रखिबे 10टा पत्र थिबा आंब डाल से कलश उपरे ता उपरे नासी लगा पौड थोइबे पौड नथिले नड़ियाटे किंबा गोटा गुआटे थोई मते पूजा करिबे। कलश उपर गंगा जल छिंचे कलश में चंदन छिंदर लगे सालुकना फूल चढ़े ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्न विनाशाय सर्वसिद्धि प्रदो भवम ओम बाबा गणपताय नमः ओम बाबा विघ्नेशाय नमः ओम बाबा गणपताय नमः ओम घटदेवताय स्वाहा ओम घटदेवताय स्वाहा ओम घटदेवताय स्वाहा एक जलपूर्ण नोटारे चंदन सिंदूर लगाइबे एवं घर मुख्य द्वार डाहण पटे धान किंबा अरुआ चाउल और फूल थोड़ी से कलश सेठी बसाइबे आंब डालाटे से कलश उपरे देबे फूल चढ़ाइबे तापरे पंचामृत प्रस्तुत करने एक पात्र रे पंचा क्षीर दही गुड़ महू और घी ने से सब को गोले दुब घास द्वारा कलश उपर छिंचे महालक्ष्मी को सुमरणा कर हलदी बटा किंवा हलदी गुंड को चपटी 10टी छोट छोट गोला कर कलश उपर चढ़े सिंदूर फरुआ और कंजलपति कलश उपर थोइबे और फूल चढ़ेबे सेहीपरि महालक्ष्मी नारे 10 मुठा चाउल कलश पाखे रखिबे। यापर कलश सामने एक अखंड दीप बसाइबे किंतु ता पूर्व भूई उपरे अल्प हलदी मिशा अरुआ चावल थोइबे ता उपरे दीप को बसाइबे। लगाइबे तापरे कलश निमंते भोग लगाइबे पुष्पांजलि देबे ओ दीप धूप दे महालक्ष्मी मूर्ति हो पटुली किंवा पीढ़ा उपरे बसाइबे। तापर एक पात्र रे पानी नहीं सेथिरे गंगा जल हलदी बटा चंदन कर्पूर अगरु और गोलाप जल मिसाइबे। माँ का फटो थिले यही हलदी पानी केवल छिंचिबे। आउ जदि मूर्ति थाए तेबे हलदी बटा एवं अवड़ा बटा को घसी माँ को प्रस्तुत करिथिबा हलदी पानी रे स्नान कराइबे। तापरे माँ लक्ष्मी को मूर्ति को पंचाक्षर रे स्नान कराइबे। ता उपरंत गंगा जल मिसा पानी ढाली माँ को पोछि देबे और नुआ वस्त्र पिंधेबे। कंजल लगे देबे, चंदन सिंदूर लगे देबे। गोटा गुआ हलदी पानी धोई माँ को पाखरे रखिबे। जेहेतु अला डाल मु पाइलिनी तेणु गोटा अलाटे नहीं हलदी पानी धोई माँ को पाखे रखिली। तापरे माँ को फूल चढ़ेली। आम घरे जेहेतु श्रीजंत्र लक्ष्मीनारायण मूर्ति मध्य रखीजे तेणु तांको मध्य हलदी पानी स्नान करे पटुली बसे पूजा करिछि, किंतु यह अनिवार्य नहे। नमस्ते गुरु रूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्व पाप हरि देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वपरति सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरि देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि प्रति प्रति देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मुक्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अत्यंतरंते देवी आद्या शक्ति महेश्वरी योग संपत्ति महालक्ष्मी नमोस्तुते। तुलसूक्ष्म महारुति महाशक्ति महोदरी महापाप हरि देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिति देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगतमाता महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्वतंबर धरि देवी नानांगरभूषिते जगस्थिति जगतमाता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी स्तोत्रं च पठित भक्तिमानः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्रपति सर्वदा। एकं पठिनितं महापाप विनाशनं त्रिकं च पठिनितं धनधान्य समनित्यं त्रिकं च पठिनितं महाशत्रु विनाशनं। महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्न वरदा सुभग इति इन्द्रपुत्र श्री महालक्ष्मी स्तोत्रं स्तोत्रं सम्पूर्णं। ॐ महालक्ष्मी देवी नमः। तेबे माँ को पद्मफूल चढ़ेबे। पद्मफूल माँ को अति प्रिय, किंतु आपण को जदि श्वेत पद्म बा धला रंगर पद्मफूल न मिले तेबे दस पाखुड़ा थिबा पद्मफूल चिता पके पूजा करि पाए। अन्यान्य फूल मध्य चढ़ेबे। सुदशा व्रत और पूजा होता गुआ सबको माँ को पाखे रखी फूल चंदन सिंदूर लगे पूजा करेंगे। पर माँ लक्ष्मी और समस्त द्रव्य जथा गुआ मुला पुराणा व्रत इत्यादि पर पंचामृत छिंचिबे। महालक्ष्मी को नारे 10टी सलिता थिबा 10 मुखी घी दीप जालिबे। घर दुआर मुहरे पड़ीथिबा लक्ष्मी पाद को क्षीर ढाली आलती करी करी माँ को आवाहन करवा सुदश व्रत रे एमिति किछि विधि नाही, किंतु बहु वर्ष रु मु निज मन रु एमिति करी आसुछि। आपण चाहिले एहा न करी पारंती। लक्ष्मी पाद रे प्रथमे क्षीर ढालिबे। तापरे पानी ढालिबे। चंदन सिंदूर लगे देबे। ओ झुना जानी माँ को नारी बोले महेश्वरी समस्त मुख्यं देहि देहि परमेश्वरी आयु देहि धर्म देहि जन्म देहि महेश्वरी समस्त मुख्यं देहि देहि परमेश्वरी मालक्ष्मी देवी नमः। पुष्पांजलि देवी शेषरे कर्पूर दीप जाली आलती करी करी माँ को आवाहन करिवे। निजा घर समेत घर अन्य समस्त कक्ष गुड़िक आरती बोले। सर्वसिद्धि सर्वदा महापाप विनाशनम् kang dapat ngutang karena tanya sama niteng tri kang dapat ngutang maha sokto binasana mahalakshmi pabinitram prasna paradasvam iti umrakum sutam ini mahalakshmi stakam srotam sampunang. Om Mahalakshmi Devi Swaha. एबे माँ लक्ष्मी को ना रे बाड़ा भोग लगेबे 10 प्रकार फल और 10 गुला छेना चकटा भोग लगे। छेना चकटा पाई 10 द्रव्य नेबे यथा छेना दही नड़िया कोरा गुड़ पंचा क्षीर महू देशी घी छाची खई धड़ा राशि लड़ू और पाचिला कदली ए सब को चकटी 10 गुला करिवे। प्रथमे कलश भोग दे पानी छड़ेबे तापरे माँ लक्ष्मी को ना रे फल और छेना चकटा भोग रे मध्य पानी छड़ेबे। यहाँ पर पुष्पांजलि देवे। बाल भोग लगेला परे सुदशा व्रत कथा पठन करिवे। धड़ा रंगर नुआ व्रत को प्रथमे हलदी पानी धोई माँ लक्ष्मी पाखे रखिबे। मु 10 व्रत पूजा करुची कारण जदि आगको कौनसी असुविधा हुए यथा व्रतटी मूर्तिकिया किंबा छुतिकिया मारा होई गले किंबा दुर्भाग्यवशत जदि व्रतटी मो कांधरू खसी पड़ी हजि जाए से समय आउ तो कहीं मते पूजा होइतिबा सुदश व्रत देबेनी, तेणु अधिक व्रत पूजा करी रखिदेले दरकार बेले सेथुरु व्रतटे आनी पंचामृत और कंचा क्षीर रे धोई पुणी थरे धारण करी हेबो। लक्ष्मी पाखे थुआ होइतिबा व्रत को आनी माँ लक्ष्मी 10 नाम नहीं व्रत रे 10 गंठी देवे ताकू पुनर्बार माँ को पाखे रखिदेवे। प्रथम गंठी नाम लक्ष्मी नारायण ओम लक्ष्मी नारायण देवी नमः श्री हरि प्रिया ओम नमः हरि प्रिया ओम नमः हरि प्रिया ओम नमः हरि प्रिया चतुर्थ वर्ती नाम ओटे पद्मया ओम नमः पद्मया ओम पद्मया ओम पद्मया पंचम वर्ती नाम ओटे कमला लक्ष्मी नारायण पूरी मोनी स्मरणे कले सूर्य पूजे अर्थ देवी बंधापना कले नदी रुचि पाणी कुंभे आनिबाकु गले रत्नहस्त रूप साई जलरे रखिले जल भितरे ज्ञान ब्राह्मणी बसिले दक्षिणा पाइन नारद विजे करी गले विधिरे नर नारी लक्ष्मी व्रत कले जे नर नारी एही व्रत को करती कांधर लक्ष्मी के न छाड़ती महालक्ष्मी पादी थाओ मोर मती सदा जय हे संपूर्ण हे सुदशा व्रतटी ओम महालक्ष्मी नमः इति श्री सुदशा व्रत सदा जय नमः व्रत कथा पढ़ला परे पुष्पांजलि देवी ओ तापरे दीप आरती करिले ओम नमो गणेश विघ्नेश्वर गिरिजनंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय सर्वसिद्धि प्रदो ओम घटदेवताय स्वाहा आयु देहि धनं देहि विद्यां देहि महेश्वरी समस्तं फलं देहि देहि मे परमेश्वरी आयु देहि धनु देहि विद्यां देहि महेश्वरी समस्त मुक्तं देहि मे परमेश्वरी आयु देहि धनु देहि विद्यां देहि महेश्वरी समस्त मुक्तं देहि मे परमेश्वरी ओम महालक्ष्मी देवी नमः ओम बाबा करुणाताय मध्याह्न पूर्व चाउल को गुंड करी सीझा मंडा पिठा प्रस्तुत करिवे और भोग लगेबे। प्रथमे कलश भोग तापरे माँ लक्ष्मी नारे 10टी मंडा पिठा भोग लगेबे। मंडा पिठा भोग लगेला परे पुष्पांजलि देबे। तापरे दशमुखी घी दीप आलती और शेष कर्पूर आलती कर संध्या हेबा पूर्वरु छेनापणा भोग लगेबे। जो पथुरी रे छेना और ता पानी नेबे, सेथिरे नड़िया कोरा, दही, गुड़, पाचला कदली और कंचा क्षीर मिसे चकटी देबे। प्रथमे कलश भोग लगेबे और तापरे माँ लक्ष्मी को नारे छेनापणा भोग देबे। पणा भोग लगिला परे पुष्पांजलि देते। तापरे दीप आलती झुणा आलती और धूप आलती एबे माँ को पाखरे थुआ होई सुदशा व्रत जो दसटी गंठी पकईले ताकू आनी ता संगे दसटी अँला पत्र बा अधतोड़ा पत्र किंबा दसटी बरकोली पत्र दसटी दुब घास और दसटी निखुण अरुआ चाउल दे निज डाहण कांधे पिंधिबे। से दिन तो आ पुराणा व्रतटी को खोली हेब नहीं तेणु कांधरे 20टी गंठी हो जाउथिबारु अन्न खाइबे नाही फल किंबा पूजा होइतबा मुंडा पिठा खाई रहिबे। पुराणा सुदशा व्रत को ता पर दिन खोली पूजा शेष रे कलश को टिके घुंजई देबे ओ मां लक्ष्मी को तांको मूल स्थान रे पुनर्बार बसइबे। तस्मात् कारुण्यं भवेन क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तु मे ओम लक्ष्मी देवी नमः। पूर्णा व्रत ओ गुआ सबको जो माँ लक्ष्मी पाखे रखी पूजा करुथिले से सबको मध्य तांको मूल स्थान रे रखिदेबे। मने रखिबे पूर्णा सुदशा व्रत को बा व्रत जदि छिंडी जाए ताकू एठी सेठी पकई देबे नाही कि नदी रे विसर्जन करिबे नाही बरं निज घर बगीचार एक कोण रे पोती देबे न हले तुलसी चौरा मूल रे पोती देबे जेमिति कि अन्य केही ताकू न पाए।